आइए सुनते हैं भारत के इस गौरवशाली व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। उपदेश देना सरल है पर समाधान बताना कठिन। खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखोगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। मनुष्य की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता देता है। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं स्वयं अच्छा बनने के लिए समय नहीं निकाल पाते। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को ही घायल कर देता है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। चेहरे बहुत होते हैं पर सच्चाई सिर्फ एक होती है। आप फूलों को इकट्ठा करने के लिए मत रुको, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हारी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जाग गया और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। प्रेम केवल आवेग नहीं है, इसमें सत्य होना चाहिए। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। फूल भले ही अकेला होता है लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। मौत होना प्रकाश का खत्म होना नहीं है, यह सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना यह बात साबित करता है कि भगवान की धूल आपकी मूर्ति से महान है। हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर कोई परेशानी न आए बल्कि हम यह प्रार्थना करें कि हम परेशानियों का भलीभांति सामना कर सकें। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उग जाता है लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं बाद में एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। विश्वास उस पक्षी की तरह है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब शांत अंधेरा होता है तो गाता है। देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा।
बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश या तूफान लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त वाले आकाश में रंग जोड़ने के लिए।